यस सरकार माहौल। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं क्या, कस्टम्स का रिवीजन। जी हाँ, जीएसटी आपने पूरा पढ़ लिया है, आ रहे हम कहा कस्टम्स का चैप्टर वाइज रिवीजन। सबसे पहला चैप्टर है जनरल प्रोविजंस, जो हमारे किसके है, कस्टम टैरिफ एक्ट के, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज अंडर कस्टम्स एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट। क्लियर, शुरू कर रहे हम। पर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जरूर ये याद कर ले कि आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। जी हाँ, कस्टम चार्ज क्यों हुआ याद है क्या, टू इक्वलाइज द इम्पोर्ट गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम चार्ज हुआ है। क्लियर। फिर हमने पूरा हिंदुस्तान में, सर जब गुड्स आता है सिंगापुर से, गुड्स इंडिया में आएगा, आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आएगा, तो क्या प्रोसेस रहता है इंपोर्ट का, वो हमने बात करी थी, कैसे वो गुड्स इंपोर्ट होता है। क्लियर। बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, क्लियर होता है फॉर होम कंजम्पशन या आपने वेयर हाउस में रखवाया, ये सब हमने पढ़ा था। ओके, तो सर मैं चैप्टर वाइज बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। सब टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 25, सर उसमें डेफिनेशन दे रखी है, फिर इंडिया का डेफिनेशन दे रखा है, फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। सर हम पढ़ रहे हैं पहले टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, इंडिया का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कब, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब। ओके सरकार, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, कस्टम टैरिफ एक्ट, सर सेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, सेक्शन 1 ये एक्ट का नाम कस्टम टैरिफ एक्ट है, इस दिन से एप्लीकेबल होगा। ओके सर, सेक्शन नंबर 2 कस्टम टैरिफ में जो हमने शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दिया है उस अकॉर्डिंग कस्टम लगेगा। शेड्यूल 1 में जो गुड्स दे रखी है उस पर लगेगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उस पर लगेगा इंपोर्ट पे कस्टम्स, एंड शेड्यूल 2 में जो गुड्स दिया उस पर एक्सपोर्ट पे कस्टम लगेगा। ओके, एट प्रेजेंट देन बेटा वेरी फ्यू गुड्स आर देयर इन शेड्यूल 2 जिनके एक्सपोर्ट करने में कस्टम लगता है, पर हाँ सर शेड्यूल 1 में लगभग सारी गुड्स कवर है। सर मेन रेवेन्यू गुड्स कस्टम के केस में किसका है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, एंड सर एक्सपोर्ट के केस में कस्टम क्यों नहीं लगाया, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स। ओके सर, अब कस्टम्स, आपने कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट किया तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, कौन कौन सी ड्यूटीज लगेगी। सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा बेटा, क्लियर। उसके बाद अदर ड्यूटीज लगेगी, एंड देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और हाँ उसके बाद लगेगा क्या, 3739 याद आया बट आपको। अच्छा 3739 क्या होता है बच्चों, दिल थाम के सुनिएगा, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट सर, विच इज इक्वलेंट टू IGST। सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बोलता है कि IGST विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज इफ इट इज लेवेबल अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट। क्लियर, ऑन द वैल्यू विच विल बी डिटरमाइंड बाय इधर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A विच एवर इज हायर। ध्यान देना बेटा सर, 38 या 38A जो वैल्यू बताएगा सर, उसमें जो हायर वैल्यू आएगी उस पर 37 वाला IGST लगेगा बच्चों। ओके, आपको पता है जिस वैल्यू पे 37 लगता है उस पर 39 लगता है, 39 क्या है, GST कंपनसेशन सेस। ओके सर, पहले बात कर रहे हैं 37 की, 37 किस अमाउंट पर लगेगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। सर 37 क्या बोलता है, हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट पे 37 लगेगा, 38 और 38 ने जो बताया, 38 बोलता है सर सम टोटल ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू एज पर 38, वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग कस्टम ड्यूटी प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, आई रिपीट ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट 37 एंड 39 प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब ऐड कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट वैल्यू विल बी वैल्यू फॉर 37। क्लियर, पर ये था 38। अब 38A बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके आपने उसको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स को स्टोर करवाया और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने गुड्स किसी को बेच दिया, तो जितनी गुड्स आपने किसी को बेची है, जितने में बेची है, दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A। पर अगर उस गुड्स को मान लो मैंने आपको बेचा, आपने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, तो लास्ट जो सेल हुआ है दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A जिन गुड्स को आपने वेयरहाउस में बेचा उनके लिए बेटा। क्लियर, तो 38 के हिसाब से जो वैल्यू आई वो या 38 है, विच एवर इज हायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑन विच 37 विल बी चार्ज्ड। अच्छा एक बात और, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो उसमें 37 और 39 एग्जम्प्ट नहीं लगता बेटा। ओके सर, आ रहा है क्या 39 है क्या, GST कंपनसेशन सेस, जिन गुड्स पर डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने पर GST कंपनसेशन सेस लगता है उन पर इंपोर्ट करने पर भी 39 लगेगा, और 39 लगेगा किस वैल्यू पर, जो 310 या 310A विच एवर इज हायर जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा 39। ओके बच्चों ध्यान रखना, 39 किस वैल्यू पर लगेगा, 310 और 310A विच एवर इज हायर, और एब्सोल्युटली 38 और 38A जो बोला वही 310 और 310A बोला बेटा, क्योंकि जिस वैल्यू पे 37 लगेगा उसी पर 39 लगेगा। ध्यान देना, 37 के अमाउंट को इंक्लूड मत कर देना बेटा, 37 और 38 का अमाउंट, 37 और 39 उसी अमाउंट पर लगेगा जिस पर 37 लगता है उसी पे 39 लगता है बेटा। हाँ ना, मतलब सेम वैल्यू लेते हैं बेटा इसके लिए, हाँ ना। क्लियर, आई रिपीट द पॉइंट, 310 बोलता है क्या,
Sum total of the following. Value of the goods as per Customs Act plus all types of custom duty except 37 and 39 and any other sum payable under any other law for the timing in force. ये 310 हो गया. 310A अगर किसी goods को import करके अगर आपने custom bond warehouse में बेचा है तो जितने में बेचा या multiple times अगर बेचा है तो last जितने में sale हुआ है वो transaction value will be the value for the purpose of 310A और 310 और 310A whichever is higher जो value आएगा उस पर लगेगा क्या 39. Clear? तो वही value होती 37 के लिए भी बच्चों. Okay sir ध्यान देना. फिर आता 31 क्या है सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद डोमेस्टिक गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बीइंग चार्ज इन इंडिया अगर किसी गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज लगता है तो 31 लगेगा काउंटरवेलिंग ड्यूटी देन 33 अगर किसी गुड प्रैक्टिकली 33 काम का नहीं है अगर किसी गुड्स पर एक्साइज एग्जम्प्ट है पर उसमें काम आने वाले इनपुट या इनपुट सर्विस पर एक्साइज सर्विस टैक्स लगता है सर्विस टैक्स अब तो है ही नहीं एक्साइज है तो भी कुछ गुड्स पर है तो ऐसे केस में उस गुड्स पर इनपुट स्टेज में जो एक्साइज लगा उसको इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 33 लगाया है. क्लियर. देन 35 क्या बच्चों वेट CST और अदर लोकल टैक्सेस को इक्वलाइज करने के लिए और एट प्रेजेंट वैसे भी कुछ गुड्स ही जिन पर लगता है ये टैक्स इंडिया के अंदर तो उन्हीं गुड्स पे 35 लगेगा और 35 की रेट फिक्स कर दी कितनी 4%. क्लियर. और 35 के लिए 31, 33 ये सब अमाउंट ऐड करेंगे 31 होगा या फिर 33 दोनों में से एक होगा बेटा और वो भी शायद ही होंगे बेटा वो ऐड करने के बाद 33 आएगा सारे टैक्स वगैरह ऐड करने के बाद. ओके सर ये होगा 35. क्लियर. अच्छा इनका प्रोविजन डिटेल में नहीं दिया क्योंकि इनकी एप्लीकेबिलिटी अब कुछ गुड्स पे रहेगी इसलिए आईसी ने भी लिमिटेड पोर्शन दिया वही मैंने आपको पढ़ाया बेटा. ओके देन आता है क्या सर हमने पढ़ लिया 31, 33, 35, 37, 39, 38, 38A, 310, 310A सर 311 और 312 ने बोला क्या साहब ये जितनी भी सेक्शन में 3 में हमने ड्यूटीज पढ़ी है दीज आर इन एडिशन टू दी अदर ड्यूटीज ऑफ द कस्टम्स. सेकंड सर नो डाउट ये एडिशनल ड्यूटी है पर ये भी परिवार का हिस्सा है मतलब इसको भी कस्टम ड्यूटी की तरह ही ट्रीट करेंगे और सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट इन पे भी लगेंगे जो कस्टम के मशीनरी प्रोविजन वो इन पे भी लगेंगे जैसे रिफंड के हो गए ड्रॉबैक के हो गए या एग्जिबिशन के सारे इन पे भी लगेंगे बच्चों. क्लियर. देन आता है क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर इन्होंने एडिशनली 10% और टैक्स लगाया है दिस इज 10% ऑन टैक्स का अमाउंट मतलब कस्टम ड्यूटी का अमाउंट लगेगा 10% पर. हाँ सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेफगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगता है एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगता है सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी जिसको हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोलते हैं उस पर भी नहीं लगता है. देन सेफगार्ड सोशल वेलफेयर सरचार्ज खुद पे नहीं लगता है 3739 पे नहीं लगता बेटा. क्लियर. तो किस पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे लगता है बाकी किसी पे नहीं लगता है. आइए अदर ड्यूटीज की बात करते हैं. अच्छा ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगेगा बेटा. क्लियर. और सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड कर देंगे उसके बाद 37 और 39 लगता है बच्चों इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज के अमाउंट पे भी बेटा पर 37, 39 पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट बेसिक कस्टम ड्यूटी बेटा. आइए सर देन आता है क्या प्रोटेक्टिव ड्यूटी. सर एक तो होता है रेवेन्यू ड्यूटीज एक होता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी डोमेस्टिक मार्केट को इम्पोर्ट वर्ल्ड मार्केट से कॉम्पीट करने के लिए ये ड्यूटीज लगाई जाती है. अगर वर्ल्ड मार्केट इतना सर सस्ते में माल इंडिया में बेच रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट की बैंड बजने वाली है तो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम दी वर्ल्ड कंपटीशन गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएटली एक एक्शन ले सकता है और उसको सर क्या कर सकता है एक एडिशनल ड्यूटी इन द नेम ऑफ प्रोटेक्ट ड्यूटी इंसर्ट कर सकता है. अच्छा इसको इमीडिएटली एक बार नोटिफिकेशन थ्रू ले आएंगे पर बाद में पार्लियामेंट की सेंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और पार्लियामेंट के थ्रू ये पास होकर कहा आता है शेड्यूल वन में आता है शेड्यूल वन में इसको इंसर्ट कर देते हैं और फॉर एवरी पर्पज दिस इज ट्रीटेड एज इफ इट इज द बेसिक कस्टम ड्यूटी ओनली बेटा. तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट इसका भी होता है बेटा. क्लियर डन. अच्छा गवर्नमेंट को पावर दे रहेगा कि एक बार अगर प्रोटेक्ट ड्यूटी लग गई तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. देन आइए सेक्शन नंबर 8 बोलता है गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी पावर है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ड्यूटी भले गुड्स शेड्यूल 2 में कवर हो या नहीं हो गवर्नमेंट को किसी गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना है या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ उसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है बाय यूजिंग देयर डेलीगेटेड पावर जो यहां दे रखा है. क्लियर ओके. पर सर इंपोर्ट के केस में सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या अगर किसी गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है जो शेड्यूल 1 में ऑलरेडी कवर है उसको बढ़ाना है तो इमरजेंसी केस में वो बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन बढ़ा सकते हैं पर शेड्यूल 1 में कवर नहीं है तो उसको इंसर्ट नहीं कर सकते. शेड्यूल 2 के केस में इंसर्ट कर सकते हैं नहीं गुड्स चलेगा. देन सेक्शन नंबर 8 भी आ रहा है सेफगार्ड ड्यूटी बचा सर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द वर्ल्ड प्लेयर. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बल्क में इंपोर्ट हो जा रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है तो इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट चाहे तो एक एडिशनल ड्यूटी लेके आ सकती है जिसका नाम क्या होगा सेफगार्ड ड्यूटी. और सेफगार्ड ड्यूटी के पार्लियामेंट की सेंक्शन की जरूरत नहीं होती यहाँ पे इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन दे कैन चार्ज द सेफगार्ड ड्यूटी. पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो आप सेफगार्ड नहीं लगता है. फर्स्ट अगर 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ने इंपोर्ट किया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने या डेवलपर ने इंपोर्ट किया है या फ्री ट्रेड जोन की यूनिट ने इंपोर्ट किया है तो ऐसे कि इसमें सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं होगा. पर इन लोगों ने क्या किया इनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को या इन्हीं गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया DTA में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे कि इसमें आप सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज हो जाएगा. प्लस अगर
जो सेफगार्डी जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है जिस पे सेफगार्ड लगाया है वो अगर आपने डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया तो हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, पर अगर एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है दैट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट गुड्स इनटू इंडिया, पर अगर 3% से एक्सीड है तो टोटल अमाउंट लग जाएगा सेफगार्ड ड्यूटी, क्लियर, टोटल सारे गुड्स लग जाएगा बेटा। और हाँ, अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो ईच अप टू 3% बट टोटल कैन नॉट एक्सीड 9%, टोटल अगर 9% से एक्सीड हुआ तो सब पे सेफगार्ड लग जाएगा, क्लियर, डन, ओके सर। अब अगर एक बार ड्यूटी लगा दी सेफगार्ड ड्यूटी तो दिस कैन बी इनफोर्स फॉर 4 years, पर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के 10 साल तक कर सकती है। और हाँ, जब सेफगार्ड लगाते तो गवर्नमेंट को एक बार स्टडी करना पड़ता है कि सही में सेफगार्ड की जरूरत है या नहीं है, पर एक बार गवर्नमेंट चाहे तो प्रोविजनल बेस पे सेफगार्ड लगा सकती है, पर प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट बी फॉर मोर देन 200 डेज, मतलब 200 दिन के अंदर कंफर्म करना है कि सेफगार्ड लगना है कि नहीं लगना है, लगने के बाद मैक्सिमम 4 साल + 6 साल और बेटा, ओके। देन आइए क्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन केस ऑफ सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। बच्चों, अगर आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स आ रहा है वहां की कंट्री ने वहां के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां के मैन्युफैक्चरर को कुछ सब्सिडी दी है, हो सकता है वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो, या सर लोन वगैरह दिया है, या किस भी तरह से वहाँ के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए वहाँ के लोगों को सब्सिडी दे दिया, जिसकी वजह से नॉर्मल प्राइस से भी कम प्राइस में गुड्स इंडिया में आ रहा है, सब्सिडाइज प्राइस में गुड्स इंडिया में आ रहा है, तो इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इमीडिएटली क्या कर सकता है, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है। पर हाँ, ध्यान रखना बेटा, वहाँ पे सब्सिडी एग्जिस्ट करती है कैसे पता पड़ेगा, सर गवर्नमेंट को कोई शिकायत कर देगा, गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता करेगा, पर गवर्नमेंट चाहे तो एक बार प्रोविजनल बेस पे सेफगार्ड चार्ज कर सकता है। और हाँ, देना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, भले वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया वहाँ के मैन्युफैक्चरर को या इनडायरेक्ट दिया है, फाइनेंशियल बेनिफिट दिया या किसी और तरह का इनकम या प्राइस में सपोर्ट दिया किसी भी तरह का टू प्रमोट देयर एक्सपोर्ट, वहाँ से अगर सब्सिडी मिली है तो गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट चार्ज कर सकता है, क्लियर। और हाँ, ये भी ध्यान रखना बेटा, कई सारे लोगों ने क्या किया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को बचाने के लिए गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, गुड्स को कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके लिया है बेटा, किसी और कंट्री से लिया है, पार्ट्स कंपोनेंट्स में डिसअसेंबल अनअसेंबल करके लिया है बेटा, तो यहाँ गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि दिमाग खराब मत करना, यहाँ पे एक सबसेक्शन 1A ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, दिमाग खराब मत करना, इसको बोलते हैं क्या सर्कमवेंशन, और इसके लिए एंटी सर्कमवेंशन मेजर, सर्कमवेंशन मतलब अवॉइड करना, ड्यूटी को बचाना इनडायरेक्टली कैसे भी आप गुड्स हो, जैसे मान लो सर जापान से गुड्स आ रहा है तो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई बेटा, सॉरी सब्सिडी ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो लगा दी बेटा, पर लोगों ने क्या किया, अच्छा जापान से आएगा तो लगेगा ना, तो गवर्नमेंट क्या किया, लोगों ने क्या किया, जापान से नेपाल में मंगा लिया, नेपाल से इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर लिया, या गुड्स को पार्ट्स कंपोनेंट्स में इंपोर्ट कर लिया, या गुड्स का कंपोजिशन चेंज कर लिया, गुड्स का डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख दिया, तो अगर आपने इस तरह का एक्टिविटी किया तो गवर्नमेंट ने बोल दिया व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली, और ऐसे केस में एंटी सर्कमवेंशन मेजर बोलता है, एंटी सर्कमवेंशन मेजर बोलता है कि हमने अगर इस तरह का कोई गुड्स पकड़ा तो उस पर हम एंटी सब्सिडी ड्यूटी जैसे जो कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी है बेटा वो हम चार्ज करेंगे, दिमाग खराब मत करना, क्लियर। और सर जितना सब्सिडी दिया उतना हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे, क्लियर। अच्छा, दिस ड्यूटी एक बार अगर लगा दी तो दिस कैन बी इनफोर्स फॉर 5 years, पर गवर्नमेंट चाहे तो अगर उनको लगता है 5 साल बाद तो गवर्नमेंट रिव्यू करता है कि अभी भी सब्सिडाइज आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 5 more years, मतलब 5 साल + 5 साल तक दिस ड्यूटी कैन बी इनफोर्स, ओके क्लियर। प्लस गवर्नमेंट को ये भी पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो इस ड्यूटी को रेट्रोस्पेक्टिवली भी चार्ज कर सकता है, अच्छा अगर मतलब गवर्नमेंट को बाद में पता पड़ा तो जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके उस पर भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है, बट दिस काउंटर वेलिंग इफेक्ट कैन नॉट बी फॉर बियॉन्ड 90 डेज, मतलब 90 डेज के अंदर जो इंपोर्ट हुआ उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज हो सकता है, उसके पहले जो इंपोर्ट हो चुका है उस पर कुछ ना हो पाएगा। एंड हाँ, ये भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है पर है तो कस्टम ड्यूटी बेटा, इसलिए सारे मशीनरी प्रोविजन ऑफ द कस्टम टैक्स इन पे भी अप्लाई होंगे, क्लियर, सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम टैक्स इन पे भी अप्लाई होंगे। आइए, सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन नंबर 9A एंड 9AA ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट क्या बोलता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वो नॉर्मल प्राइस भी कम में हो रहा है ड्यू टू डंपिंग अब्रॉड, तो सर ऐसे केस में जितना प्राइस कम हुआ, जितना बेनिफिट मिला उसको बोलते हैं डंपिंग मार्जिन, मतलब नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस था और नॉर्मल प्राइस को कंपेयर करेंगे, जो प्राइस कम हुआ, जितना प्राइस कम हुआ उसको बोलते हैं क्या डंपिंग मार्जिन। और सर गवर्नमेंट को पावर दिया इमीडिएटली बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट चाहे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है। बच्चों आई रिपीट, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर मान लो आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में कुछ इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई या रिसेशन चल रहा है वहाँ पे, जैसे कि इसमें वहाँ के मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया है वो ओवर प्रोड्यूस हो गया, वहाँ के लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ का गुड्स डंप होने वाला है, तो अब तो सर क्या है, जो आया है सो पाया है, जैसे कि इसमें उन्होंने डंप्ड प्राइस में गुड्स भेज दिया, तो सर जितना डंपिंग मार्जिन होगा उतना गवर्नमेंट क्या लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब गवर्नमेंट इमीडिएटली बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन ये ड्यूटी लगा देगा, पर हाँ
सेम प्रोविजन जो हमारे हमने पढ़ा अभी काउंटर ड्यूटी में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले पार्सल प्लस पार्सल वाले या प्रोविजनल बेस पे एक बार चार्ज करने वाले वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। अब सर गवर्नमेंट कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा उसके लिए बुलाया क्या? सर गवर्नमेंट कैन चार्ज एंटी डंपिंग ड्यूटी इक्विवेलेंट टू लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन। सर ध्यान रखना डंपिंग मार्जिन मतलब मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर उतना एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज हो सकता है। अब आप कहेंगे सर डंपिंग ऑफ मार्जिन क्या होता है? सर नॉर्मल प्राइस माइनस एक्चुअल एक्सपोर्ट प्राइस। जैसे नॉर्मल प्राइस था $100 और एक्चुअल एक्सपोर्ट जो प्राइस था जिसमें आपने इंपोर्ट किया वो था $95, तो सर हो गया $5 क्या हो गया मार्जिन ऑफ डंपिंग। ओके और सर इंजरी मार्जिन क्या होता है? अरे भाई फेयर सेलिंग प्राइस इन द इंडिया, जैसे फेयर सेलिंग प्राइस इन इंडिया है ₹56 पर यूनिट और सर इंपोर्ट करने के बाद जो लैंडेड प्राइस आती है, लैंडेड प्राइस मतलब जितने आपने इंपोर्ट किया प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह हाँ है ना, ये ऐड करने के बाद सर जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं लैंडेड प्राइस। क्लियर? आई रिपीट, लैंडेड प्राइस क्या होगा बेटा? वैल्यू ऑफ द गुड्स प्लस मतलब इंपोर्ट जितने की आपने एक्चुअली वो प्लस उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जोड़ दो, सेफ उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड कर दो, पर 3739 वगैरह ऐड नहीं करना बेटा। क्लियर? ये ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा क्या? लैंडेड प्राइस, उसको कंपेयर करेंगे किससे? फेयर सेलिंग प्राइस इन इंडिया, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सर इंजरी मार्जिन, वो मार्जिन हो गया बेटा जिस जो इंडियन मार्केट को हैम्पर कर रही है। इंजरी मार्जिन इंडियन मार्केट को हैम्पर कर रही है, इंडियन मार्केट की फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड प्राइस वो हो गया इंजरी मार्जिन। तो इंजरी मार्जिन और डंपिंग ऑफ मार्जिन, डंपिंग ऑफ मार्जिन क्या हो गया? नॉर्मल प्राइस मतलब कितने में गुड्स इंपोर्ट होता है नॉर्मली अगर डंप प्राइस में नहीं होता, या उसका सिमिलर गुड्स कितने में इंपोर्ट होता वो, और एक्चुअली कितने में इंपोर्ट हुआ उसका डिफरेंस वो, या फिर इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर, इतना लगेगा क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी। और सर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर सुना अगर चार्ज किया है गवर्नमेंट ने तो इमीजिएटली बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन ये एप्लीकेबल कर देंगे बेटा, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट बट नॉट मोर देन 90 days रेट्रोस्पेक्टिव बेटा। ओके सर अगर गवर्नमेंट ने एक बार ड्यूटी लगा दिया और उसके बाद में अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई तो आप इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो, अपील में अगर आप जीत गए तो सर ऐसे केस में आपको रिफंड दिया जाएगा कि हमसे एक्सेस डंपिंग मार्जिन समझते हुए एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया है वाला, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ है कि साहब तुम केस जीत गए कि एंटी डंपिंग नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए पर कम लगना चाहिए, तो उसके 3 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो टू द ज्यूरिसडिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर कि मेरे को रिफंड दो साहब एक्सेस अमाउंट का, ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। पर अगर आपकी एप्लीकेशन डेफिशिएंट है, कुछ कमी है, तो आपको वापस लौटाएंगे विद इन 1 month और जब उसको रेक्टिफाई करके आप वापस रिसबमिट करेंगे तब माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन आई है और उसके 90 days के अंदर इस अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू। और अगर आपने बर्डन शिफ्ट नहीं किया तो आपको रिफंड दे देंगे, नहीं तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट को। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर 100% EOU ने गुड्स इंपोर्ट किया है या फ्री ट्रेड जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने गुड्स इंपोर्ट किया तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होता है। पर इन लोगों ने क्या किया, इन गुड्स से बनने वाले आउटपुट गुड्स या इन्हीं गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, DTA में बेच दिया, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज हो जाएगा। क्लियर? ये कहानी खत्म होती है किसकी? एंटी डंपिंग ड्यूटी की। ओके सर इन केस बड़ा सर देर आर सम केसेस जहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी जिसको काउंटर विलिंग ड्यूटी बोलते हैं जो नहीं लगेगी, देर आर सम केसेस, देर आर पर्टिकुलरली 6 cases जहाँ पे एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होता है। वो केस कौन कौन से? फर्स्ट, अगर जिस कंट्री से आपने इंपोर्ट किया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री है या ऐसा कोई कंट्री जिसके साथ आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होगा, अनलेस इट इज प्रूव्ड कि नहीं सब उन कंट्रीज ने डम्प्ड प्राइस पे या सब्सिडाइज प्राइस पे गुड्स भेजा है तो ऐसे केस में चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज कभी चार्ज नहीं होता है। पर हाँ सेकंड केस एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी कभी भी साथ में चार्ज नहीं होगा। थर्ड केस सर, अगर वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट बोल दे कि हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए ही नहीं, दीज गुड्स दीज आर्टिकल्स एंजॉय द सेम बेनिफिट इफ दोज आर मेंट फॉर कंजम्पशन इन आर कंट्री इटसेल्फ, हमारी कंट्री में कंज्यूम होंगे तो भी सेम बेनिफिट है, हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट बोलते हैं हम हमारी प्राइस रिवाइज कर रहे हैं साहब गलती होगी हमसे, हम सब्सिडी हटा रहे तो हम हमारे एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वो एक्सपोर्टर बोल रहे साहब गलती हो गई, मैंने डंप्ड प्राइस पे गुड्स भेजा था पर मैं अपनी डंपिंग मार्जिन हटा रहा हूं, मैं अपनी प्राइस रिवाइज कर रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एंटी डंपिंग नहीं लगाएंगे। लास्ट, अगर सर ध्यान देना बेटा, अगर कभी सर्कमस्टेंसेस तरह के प्रिवेल होते हैं कि एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी लगना चाहिए तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, पर अगर गवर्नमेंट ने स्टडी किया और बाद में देखा वो स्पेसिफाइड कंट्री से जब प्रिलिमिनरी फाइंडिंग करी तब देखा कि नहीं यहाँ पे नहीं लगना चाहिए एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हर केस में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी लगा देंगे। क्लियर? दीज आर दीज केसेस जहाँ पे एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी नहीं लगता है। अब सुनो बेटा, अपील सेक्शन 9C बोलता है क्या, अगर कभी भी एंटी डंपिंग या काउंटर ड्यूटी लग गया है
और आपको लगता है आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, तो आप जीएसटी कस्टम है तो कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपील ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हो, क्लियर। पर हाँ, केस नंबर 2B में अगर मान लो कभी एंटी डंपिंग या काउंटर ड्यूटी लगना चाहिए और आपको लगता है क्या नहीं लगाया गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट विड्रॉ कर दिया उसको और आपको लगता है नहीं लगना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो बच्चों, क्लियर। और सर ये अपील जो आप करोगे वो 90 डेज के अंदर अपील करना पड़ेगा आपको ऑर्डर के, और सर सेस्टार्ट क्या करेगा, आपकी अपील को सुनेगा, बोथ द पार्टीज को सुनेगा, केस को केस की हियरिंग का मौका देगा आपको, एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वो अपना ऑर्डर पास करेगा बच्चों, क्लियर। और अगर लग गया था और नहीं लगना चाहिए तो रिफंड अलाउ हो जाएगा, मैंने आपको बताया रिफंड के बारे में ऑलरेडी बेटा आपको, क्लियर डन। अब एक लास्ट पॉइंट क्या, मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। सर सबसे पहले ये सिक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी, और वही पर लग जाता है सारी प्रोडक्टिविटी सेफगार्डी एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी सब वही पे लगेगी। उसके बाद लगेगा क्या सर, हमारा प्यारा सा क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% पर ध्यान रहा, ये 10% किसका लगेगा, बेसिक कस्टमिटी और प्रोडक्टिव का ही लगेगा, बाकी के पे नहीं लगता ये। और ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड कर दोगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर लगेगा क्या 3.7, और उसी पर लगेगा क्या 3.9, क्लियर डन। एक लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट इम्पोर्ट एलिजिबल प्रोजेक्ट एंड अदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सर अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए सर टैरिफ में 9801 नंबर का हेडिंग अलग से इंसर्ट किया टू प्रमोट द प्रोजेक्ट इंपोर्ट, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सर इन्होंने कंसेशन रेट पर कस्टम लगाया हुआ है या कम, या इनफैक्ट कुछ केस में लगाया है नहीं कस्टम, पर अगर देखना बेटा अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट अगर आपका है और आपने उसके सब्सटेंशियल एक्सपांशन के लिए कोई इंपोर्ट किया है मशीनरीज वगैरह, तो वो भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट में के स्कोप में कवर हो जाएगी, बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका इंक्रीज इन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज मोर देन 25%, क्लियर। और हाँ, प्रोजेक्ट इंपोर्ट के साथ में स्पेयर पार्ट भी अगर आपने इंपोर्ट किए तो स्पेयर पार्ट का पे भी बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब वो भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे, पर स्पेयर पार्ट की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इंपोर्ट, तो ऐसे केस में स्पेयर पार्ट को भी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इंपोर्ट में इंक्लूड कर देंगे और प्रोजेक्ट इंपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। खास बात, यहाँ पे कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है। एंड हाँ, एलिजिबल प्रोजेक्ट क्या है बेटा, सर सारे प्रोजेक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट, इरीगेशन, पावर, माइनिंग प्रोजेक्ट, ऑयल एंड अदर मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये सब एलिजिबल है किसके लिए, प्रोजेक्ट इंपोर्ट के बेनिफिट के लिए, क्लियर। कोई खास बात नहीं थी प्रोजेक्ट इंपोर्ट, इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आपको समझ में आया, ये पूरा चैप्टर नंबर 25 खत्म होता है अब, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, हर टॉपिक आपको आना चाहिए, एक भी चैप्टर एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। इंडिया का डेफिनेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, भारत माता की जय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।